हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं, ये स्प्लेंडर प्रो बाइक खड़ी है। दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है हम आपको बताना चाहेंगे कि करंट नहीं आ रहा है। दोस्तों, हम काफ़ी ज़्यादा इसमें जूझे हैं और बहुत ज़्यादा ही कोशिश की है। दोस्तों, कॉइल भी चेंज करके देखी, लीड कॉइल भी बदली है। दोस्तों, सारा प्रोसेस करके देखा और हमने मैग्नेट कॉइल भी चेक की। दोस्तों, वायरिंग भी, सारे वायरिंग हार्नेस दोस्तों चेक किए। यहाँ तक के दोस्तों अगर बात की जाए तो इसका हमने क्या है कि रेगुलेटर दोस्तों, रेक्टिफायर, ये सारी चीज़ों को चेक किया। दोस्तों, वायरिंग में जूझ रहे हैं, बैटरी चेक की दोस्तों, CDI चेक की, सारी चीज़ें चेक की, लेकिन दोस्तों हमें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पाया। दोस्तों, हमें करंट नहीं इसमें मिल पाया। आखिर क्या प्रॉब्लम आई दोस्तों, किस तरीके से फॉल्ट कहाँ पे मिलता है? वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, आपको कुछ सीखने और जानने के लिए ज़रूर मिलेगा। और जिन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो बहुत अच्छा और मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इग्निशन को ऑन करेंगे और फटाफट आपको दिखाना चाहेंगे कि दोस्तों करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो और एक चीज़ और दोस्तों, हमने जिस तरीके से करंट को चेक किया है दोस्तों, हमारा कोई प्रोसेस गलत नहीं है। किस तरीके से हमने चेक किया है और फॉल्ट हमें कहाँ पे मिला है दोस्तों, ये भी हम आपको दिखाना चाहेंगे इस वीडियो में। हमने इसमें क्या किया दोस्तों, इतने सारे चार्जर, CDI वगैरह सारी चीज़ लगा के देख लें, बट फिर भी क्या हुआ कि बाइक में करंट नहीं आ पाया। चलिए दोस्तों, क्यों नहीं आ पा रहा है और एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे हमने किस तरीके से चेक किया है करंट, और आप भी उसी तरीके से चेक कर सकते हैं। ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में आपके सारे डाउट जो भी हैं क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, करंट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको टेस्टिंग लैंप की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आप करंट का, बाइक का या जो भी काम करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक, तो आपके पास टेस्टिंग लैंप होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, क्या करेंगे, टेस्टिंग लैंप की एक वायर को दोस्तों ग्राउंड जो है, ग्राउंड जो अर्थ जो है, इसको प्रोवाइड कर देंगे और आपको हम करंट चेक करके दिखाएंगे किस तरीके से आप करंट को चेक करेंगे। दोस्तों, प्रोसेस को आपको समझाएंगे, उसके बाद बताएंगे आखिर फॉल्ट कहाँ पे मिलता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप जो इसमें मैग्नेट कॉइल होती है दोस्तों, सिर्फ हमें क्या होता है, ये मेरी पिकअप कॉइल का वायर होता है, नीला और पीला। दोस्तों, ये पिकअप कॉइल का वायर है, इसमें एक न्यूट्रल लाइट का वायर है और ये मेरा लाइटिंग कॉइल का है। दोस्तों, ये मेरे दो जो हरे हैं दोस्तों, ये ग्राउंड है। ठीक है, किस तरीके से चेक करेंगे ये भी अब आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग लैंप की मैंने वायर को ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ से टेस्टिंग लैंप को यहाँ पे रखेंगे। दोस्तों, इसकी मदद से क्या करेंगे, ये टेस्टिंग लैंप का जो एक वायर है दोस्तों, सफ़ेद वाले वायर में टच करेंगे। ठीक है, पहले इसका AC करंट यानी कि अल्टरनेटर करंट चेक करेंगे। चलिए, हम आपको चेक कराना चाहेंगे दोस्तों, किक लगवाएंगे और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये सब चेक करने के लिए आपको इग्निशन ऑन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इग्निशन कहाँ पे ऑन करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं, किक लगा रहे हैं और अल्टरनेटर करंट हमारा यहाँ से निकल रहा है। चलिए दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया है। आप वाइट वाले कलर में दोस्तों ये वायर में करंट को चेक करेंगे, और उसके साथ साथ आपको अब हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे अच्छा करंट आ रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ क्या करा, फिर भी शक बताओ, इसकी कॉइल को एक्सचेंज किया दोस्तों, फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही। पिकअप कॉइल को भी दोस्तों चेंज करके देखा, फिर भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पाया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे वायर को अटैच कर लेते हैं, इसको लगाने के साथ साथ। अब दोस्तों, जब यहाँ से करंट निकलता है तो सीधा कहाँ पे जाता है, RR यूनिट पे। ठीक है, चलिए मैं आपको RR यूनिट के पास लेके चलता हूँ और आपको दोस्तों दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से लेंगे और हमारी जो टेस्टिंग लैंप है दोस्तों, इसको इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे, और इसके साथ साथ हम रेगुलेटर पे आ जाते हैं। चलिए, बहुत आसान से शब्दों में ये भी चीज़ आपको बता देते हैं, इग्निशन को ऑन रखेंगे और दोस्तों क्या करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने वाइट कलर में दोस्तों करंट चेक किया था, तो आपको यहाँ भी बाइक जो है सफ़ेद वाले करंट में, वायर में करंट चेक करना है। चलिए, किस तरीके से चेक करेंगे, वाइट वाला तार यहाँ पे लगा देंगे और दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग लैंप दिखाते हैं आपको, पर किक लगा रहे हैं तो फौरन से करंट आ रहा है। चलिए ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि AC करंट जो अल्टरनेटर थे दोस्तों, करंट आ रहा है वो यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन अब हमें ये कैसे क्लियर करना है
कि हमारा जो दोस्तों ये रेगुलेटर है ये एसी करंट लेके दोस्तों डीसी बना रहा है या नहीं। तो दोस्तों किस तरीके से चेक करेंगे, आप बैटरी पे भी चेक कर सकते हैं और यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसके डीसी करंट को चेक करने के लिए जो पीला वाला दोस्तों लाइटिंग वाल का वायर होता है, अब इस वायर को क्या करेंगे पीले वाले में लगा देंगे। चलिए दोस्तों और आपको किक लगा के दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी टेस्टिंग लैम्प यहाँ से काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन कर रही है और करंट यहाँ से आपको अच्छे को जोर से लगा के, जोर से लगाओ, इस तरीके से करंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बात को आप समझिए इस तरीके से। अब क्या होता है दोस्तों, एक चीज और बता दे, अब आपका जो रेड वाला दोस्तों वायर है ये काहे का है, आपकी बैटरी चार्जिंग का। चलिए दोस्तों ये भी डाउट क्लियर करेंगे, जो रेड वाला वायर यहाँ से आ रहा है, इग्निशन को ऑन करेंगे, टेस्टिंग लैंप को हमने ग्राउंड प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पे अगर रेड वाले दोस्तों वायर में लगाएंगे तो टेस्टिंग लैंप में हमारे लाइट आना चाहिए। इग्निशन ऑन करेंगे और अभी आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, टेस्टिंग लैंप में हमारे लाइट आना चाहिए। इस तरीके से रेड वाले वायर में दोस्तों लगाएंगे और आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई इस तरीके से इग्निशन को ऑन कर रखा है। और यहाँ पे अगर करंट की बात की जाए तो दोस्तों हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। चलिए दोस्तों किक लगाएंगे, अब RR यूनिट को चेक करेंगे सप्लाई निकालना है नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बल्ब काफी ज्यादा तेज हो रहा है। चलिए दोस्तों इससे मुझे क्या पता चला, मेरा RR यूनिट एकदम परफेक्ट, मतलब बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों इसके साथ साथ अब बात कहाँ पे करेंगे दोस्तों, CDI पे आ जाते हैं हम। आपको दोस्तों पूरी प्रॉब्लम अभी शूट आउट एकदम परफेक्ट तरीके से आपकी प्रॉब्लम का सलूशन इसमें दिखाएंगे। और दोस्तों हम भी बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं किस तरीके से हमने करंट को चेक किया है दोस्तों, ये भी आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों ये CDI के कपलर को बाहर निकाल लेंगे, मैं थोड़ा कैमरा पकड़वाना चाहूंगा, उधर जाओ। और इस तरीके से दोस्तों हम आपको कैमरा दिखाना चाहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों क्या करेंगे, इसके कपलर को ओपन कर लेंगे। ठीक है, CDI को एकदम से काफी क्लियर करने के लिए दोस्तों, पता करने के लिए कि हमारा CDI खराब है या सही है दोस्तों, इसको भी चेक करेंगे। तो दोस्तों अब आपको CDI अगर चेक करना है, CDI के कपलर पे चेक कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको इग्निशन को ऑन कर लेना है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो दोस्तों एक मेरा मेन लॉक का वायर होता है दोस्तों, और दोस्तों एक मेरा CDI इसमें HD कॉइल यानी कि लीड कॉइल में जाता है दोस्तों, एक मेरा ग्राउंड होता है, और दोस्तों जो दूसरा हल्का रेड पे ब्लैक है दोस्तों ये क्या है, मेरा इग्निशन कॉइल का दोस्तों ये वायर है, जो मेरा RR मतलब CDI इसमें लीड कॉइल को दोस्तों ये करंट प्रोवाइड करता है, जो हमारी यहाँ से RR यूनिट से दोस्तों ये करंट आता है जो CDI तक आता है। उसके कनेक्शन को चेक करेंगे क्या दोस्तों हमारी CDI तक करंट जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा बारीक दोस्तों, इसमें जो हल्का मैं बता रहा था करंट चेक करने के लिए ब्लैक पे जो रेड है दोस्तों, इसको जो हमारी टेस्टिंग लैंप है दोस्तों इसके इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे तार को लगाएंगे तो आपको करंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये मेरा चाबी से ऑन ऑफ कर रहा है। ठीक है, करंट आ रहा है, हमारा टेस्टिंग लैंप अच्छे से जल रहा है। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है कि यहाँ तक हमारे सप्लाई है दोस्तों, या तो हमारे CDI में प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों इसको भी हमने चेक करा, हाँ मैंने इसको चेक करके देख लिया है दोस्तों, मेरे CDI में प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों मैं अपनी शॉप में चलता हूँ अंदर। दोस्तों मैं अपनी कॉयल दोस्तों यहाँ पे पड़ी है, मेरे पास ज्यादातर अक्सर CDI सब एकदम अच्छी है दोस्तों। मैं दोस्तों ये एक्टिवा की है, ये भी लग जाएगी दोस्तों, परफेक्ट काम करेगी। और हमारे पास ये सुपर की भी है दोस्तों, ये सारी CDI है दोस्तों, हमने इसको लगाया। अब यहाँ से लगा के आपको CDI चेक कराना चाहेंगे दोस्तों, बाइक में करंट आता है या नहीं। दोस्तों मैं CDI को ले आया हूँ, इसका खराब वाला जो दोस्तों CDI है इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ पे डालेंगे और दोस्तों इनमें से कोई भी एक CDI को लगा लेंगे, चाहे ये लगा सकते हैं दोस्तों। मैं अक्सर अपने करंट को चेक करने के लिए, थोड़ा संतुष्टि करने के लिए दोस्तों CDI सभी बाइक के अपने पास मौजूद रखता हूँ। चलिए दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे, इसकी CDI को ले लेते हैं दोस्तों, और इस तरीके से इसके कपलर को यहाँ पे लगाएंगे, और इस तरीके से लगाने के साथ साथ अब दोस्तों बात करते हैं लीड कॉइल की। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको करंट चेक कराना चाहेंगे कि करंट आता है नहीं। दोस्तों सारी चीजों को लगा रखा है, RR यूनिट भी लगा रखा है, इग्निशन को ऑन कर लेंगे और चलिए दोस्तों किक लगा के आपको दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों फिर भी स्पार्क प्लग में हमारी लीड में करंट जनरेट नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों किक लगाना चाहूंगा और आपको करंट दिखाना चाहूंगा दोस्तों।
फिर भी करंट नहीं आ रहा है। दोस्तों मैंने CDI को दूसरा लगा दिया है, फिर भी करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या देखा इसको चेक करके, दोस्तों इसके साथ साथ चलिए आगे की सप्लाई को चेक कराना चाहेंगे, किस तरीके से आप इसमें भी चेक करेंगे। हमें ये तो पूरा दोस्तों भरोसा है, हमने इसको चेक कर लिया है। हाँ उसका CDI खराब है दोस्तों, ये वाला CDI हमारा अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ का प्रोसेस, यहाँ से करंट दोस्तों कहाँ पे आता है, लीड कॉइल पे। चलिए दोस्तों लीड कॉइल पे कैसे चेक करेंगे। दोस्तों ये ग्राउंड का वायर होता है हरा वाला, और जो ब्लैक पे पीला दोस्तों है ये मेन वायर है जो CDI से करंट यहाँ पे जनरेट होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे इसके साथ साथ, हमारा जो दोस्तों ये टेस्टिंग लैंप तो आप अपने पास जरूर रखें दोस्तों, इसकी काफी ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस तरीके से ये वायर है दोस्तों, एक टेस्टिंग लैंप का मैंने ग्राउंड दे दिया है, ग्राउंड प्रोवाइड कर रखा है, और यहाँ पे मैं मेन वाले वायर पे आ गया हूँ। मैंने टेस्टिंग लैंप का वायर लगा दिया है दोस्तों, और यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे और किक लगवाएंगे। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं करंट एकदम फ्लक्चुएशन यहाँ पे कर रहा है। इग्निशन को ऑन करें, ऑफ करेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे। चलो लगाओ किक को। अब दोस्तों इग्निशन किक लगाए रहो, मैंने इग्निशन को ऑफ कर दिया, करंट आना बंद हो गया है। जैसे इग्निशन ऑन करूंगा यहाँ पे करंट आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। चलिए दोस्तों अब आपको क्या समझ आया कि दोस्तों जब यहाँ करंट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों अब जैसे जो खराब वाली CDI है दोस्तों, मैं इसको चेक कराना चाहूंगा, जो खराब आपकी CDI है उसको भी देखते हैं, जो यहाँ से करंट लेके दोस्तों हमारी जो है लीड कॉइल पे दोस्तों करंट आता है नहीं। दोस्तों ऐसे ही रखेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, बस आपको कैमरा इस तरीके से दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरे को इस तरीके से पकड़वाऊंगा भाई से, और मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से CDI को लगा के हमारे RR जो दोस्तों लीड कॉइल है यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है। दोस्तों इस खराब CDI को जो हम साबित करने के लिए इसको भी लगाना चाहेंगे, इसको यहाँ पे रख लेंगे, और दोस्तों ये वाली CDI को लगा के और देखते हैं क्या करंट जनरेट होता है वहाँ पे या नहीं होता है। चलिए इसको लगा लिए हैं दोस्तों, अब आपको सीधा सा किक लगवाएंगे और आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए किक लगाइए और चाबी को ऑन कर लेते हैं, हमने चाबी ऑन कर लिया है। तो दोस्तों आप देख रहे हो बिल्कुल भी हमारा सारे वायर लगे हुए हैं दोस्तों, हमारी टेस्टिंग लैंप में बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों आप समझ गए और मुझे भी यकीन हो गया कि मेरा CDI बिल्कुल ही खराब है। उसके साथ साथ बिल्कुल ही खराब होने के बाद क्या है कि दोस्तों इसका लीड कॉइल भी खराब है। चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लीड कॉइल खराब है या नहीं। चलिए दोस्तों इस CDI को निकाल लेते हैं और आगे की बात दोस्तों अभी आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरीके से CDI को निकाल लेंगे, और दोस्तों हमने ये वाला ही CDI लगाया था, इसको फिर से लगाना चाहेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, आपको दोस्तों सीखने और जानने के लिए तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों इसको लगा लिया है, इग्निशन को ऑन कर लिया है, मैं आपको फिर से एक बार किक लगा के चेक कराना चाहूंगा। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एकदम से करंट जो है फ्लक्चुएशन कर रहा है। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो है CDI खराब होने के साथ साथ हमारा HD कॉइल भी खराब है। चलिए दोस्तों आपका HD कॉइल का भी डॉट क्लियर कर देते हैं। मेरे पास एक नया दोस्तों ये लीड कॉइल है दोस्तों, इसको लगा के और आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों किस तरीके से करंट हमारे स्पार्क प्लग में दोस्तों जनरेट होता है। दोस्तों आपको सटीक जानकारी ही देते हैं, झूठ बात आपको जरा भी हम कुछ बताना नहीं चाहते दोस्तों। ये मेरे पास लीड कॉइल है दोस्तों, इसको मैं लगाना चाहूंगा और अभी आपको दोस्तों करंट चेक करा के और बाइक को स्टार्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों एक बार आपको देखो, हमने नया CDI लगा दिया है, फिर भी दोस्तों क्या है, हम जे भी आपका डाउट दोस्तों थोड़ा क्लियर करेंगे। CDI के दोस्तों सारे कपलर को लगा दिया है, और यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों तो इस तरीके से आप देख रहे हैं किक लगाएंगे, इग्निशन को ऑन करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी करंट जनरेट नहीं हो रहा है। सारे कनेक्शन मैंने परफेक्ट कर रखे हैं। चलिए दोस्तों इसके साथ साथ क्या करेंगे, इसके कपलर को ओपन करेंगे फटाफट से, और जो दोस्तों हमारे पास नया CDI है कैमरा पकड़वाएंगे थोड़ा सा आपको, और दोस्तों अभी दिखाना चाहेंगे, कैमरे को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। तो दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, हरा वायर दोस्तों ग्राउंड का होता है, तो ग्राउंड का वायर ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राउंड इसको प्रोवाइड करेंगे, और इसके साथ साथ जो मेरा ब्लैक पे दोस्तों पीला वायर है दोस्तों, इसको इस तरीके से लगाएंगे। चलिए दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं स्पार्क प्लग में करंट जनरेट होता है या नहीं। वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करें, आपको कुछ समझने के लिए जरूर मिलेगा। दोस्तों मैंने इग्निशन को ऑन कर लिया है, सारी चीजों को लगा रखा है, आपको करंट चेक कराना चाहेंगे। हल्के हाथ से किक लगाओ, और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी तेज करंट जनरेट हो रहा है, थोड़ा जोर से लगाओ किक को, बस रुक जाओ।
तो दोस्तों आपने क्या देखा कि क्या पता दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है मशीनरी है दोस्तों, बाइक का किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या मिला कि हमारा इसका दोस्तों इसका एक CDI दोस्तों ये खराब है, CDI यूनिट, और इसका ST कॉइल खराब है दोस्तों। आपको करंट सामने से देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों मैं आपको बाइक भी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों फटाफट मैं इस स्पार्क प्लग को दोस्तों लगाऊंगा और आपको भी दिखाना चाहूंगा। फटाफट मैं इसका स्पार्क प्लग इसका लगा लेता हूँ और अभी आपको स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ। दोस्तों सारी चीजें हमने क्लियर बताई हैं आपको, झूठ जरा भी बताना नहीं चाहते दोस्तों, झूठ बताने से कोई फायदा नहीं निकलता है दोस्तों। सटीक जानकारी पहुंचाना चाहिए, किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए दोस्तों। जो सच जानकारी होती है आपके पास तक दोस्तों हम वहीं पहुंचाना चाहते हैं। अभी हम आपको दोस्तों इससे स्टार्ट करके भी दिखाना चाहेंगे और इग्निशन को ऑन करेंगे दोस्तों। मैंने इग्निशन को ऑन कर लिया है और आपको दोस्तों मैं चेक भी करा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं मैंने लीड कॉइल को यहाँ पे, चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे ग्राउंड इसको कर देता हूँ इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दोस्तों मैंने यहाँ पे लीड को लगा दिया है और इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ, आपको स्टार्ट करके दिखाना चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं बाइक स्टार्ट हो गई है पूरी तरीके से और इसका दोस्तों सेल्फ का बन भी आवाज कर रहा है, एकदम से करंट अच्छे से जनरेट हो रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। टंकी को उतार रखा है, पेट्रोल नहीं है दोस्तों बाइक में, फिर भी दोस्तों जैसे भी स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल तो बाइक स्टार्ट हो गया है और बाइक में मेरे करंट भी आ रहा है। तो दोस्तों क्या होता है, काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों। मैंने काफी ज्यादा कोशिश की, देख रहे हैं आप सारे RR यूनिट को लगा के देखा दोस्तों, इतनी ज्यादा CDI चेंज की दोस्तों। और मैंने क्या किया, इसकी वायरिंग, इसकी सारी दोस्तों वायरिंग को भी चेक किया, शायद कहीं प्रॉब्लम हो, इस तरीके से भी चेक किया, इसकी कॉइल को भी दोस्तों, पिकअप कॉइल को भी चेंज करके देखा, लेकिन दोस्तों मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे मिली। तो दोस्तों अगर आप करंट का काम करते हैं तो दोस्तों आपके पास ये चीज बहुत जरूरी है, आप टेस्टिंग लैंप को दोस्तों जरूर रखें, इससे काफी ज्यादा मदद मिलती है। और दोस्तों मैंने सारा प्रोसेस आपको एकदम सच बताया है दोस्तों, सटीक जानकारी दी है, इसी तरीके से आप करें दोस्तों। सारी चीज हमने आपको सटीक ही बताना चाहिए, झूठ आपको जरा भी दोस्तों शेयर कुछ भी नहीं करते हैं दोस्तों। मशीनरी में प्रॉब्लम सबके पास आती रहती है, कोई कहे कि बहुत बड़े मिस्त्री है कुछ है दोस्तों, बड़ा बड़ा अच्छा ही लग जाता है, हमने काम के मामले में देखा है दोस्तों, काम के मामले में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।